यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लीक हो रहा था। यहाँ पे मैंने सॉकर का वर्क करवा लिया, अगर गड्ढा वगैरह आ गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी, देख रहे हो। ये होता है बारिश के दिनों में। मान लो फर्स्ट राइड हम लोग अपनी बाइक वगैरह करके आई है एकदम स्मूथली कम्प्लीटेड, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। अगर मैंने एक बार तो 180 किलोमीटर का स्ट्रेच मार दिया था, 15-20 मिनट का गैप दिया था। बस 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 ओके अबे ये क्या पंगा हो रहा। तो हमने अभी पूछ लिया है तो भैया बोल रहे हैं तुम्हें सोकर वाला ऑयल लाना पड़ेगा, कह रहे थे देखते हैं कम होता है। तो मैंने कहा मैं ले आऊँगा, क्या पता कम वगैरह हो गया तो मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया विलेज टाइम थोड़ा चल रहा है, 5-6 मिनट है, तो मैं अभी पहले ही चला जाता हूँ। तो आई होप सो आपको एंगल वगैरह मस्त आ रहा होगा, क्योंकि गैस बारिश वगैरह हो रही है। मैंने फ़ोन वगैरह अलर्ट कर रखा है तो ऐसा कुछ होगा नहीं। गैस थोड़े बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही है जिससे ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। आई होप सो क्या कहते फोन वगैरह कुछ हो ना। मैंने बोला भैया से मैं मतलब ऑयल वगैरह अपना लेके आता हूँ, क्योंकि इसमें कम हो ही गया होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग की 1000 किलोमीटर से अबव भी बाइक वगैरह जितनी भी चली हूँ। अभी रोड थोड़े हम लोग को खाली मिलेंगे भाई लोग, क्योंकि पानी वगैरह इसकी ऐसी मैं कहने वाला था इसकी के मजे मजे इसकी बहन के मजे मजे। देख रहे हो कैसा पानी वगैरह बरस रहा है। वो लोग पूरे चौराहे या घूम के जा रहे हैं ऑयल वगैरह परचेस करने। ओपन होंगी सब। हटो भाई, सब पानी पानी हो गया सब कुछ। आ जाओ। अरे भाई साहब, भैया हटना थोड़ा भैया, पानी पानी हो गया सब कुछ। वो वाला देना अंकल जी जो नीले डिब्बे में आता है, मैं पहले ले गया था। अभी हैला हैला कुछ ऐसे करके एक चाहिए अंकल जी सिंगल। कितने अंकल जी? 70 रुपये। अभी मैं ले गया था ना, इस चक्कर में लीक हो गया अभी। 70 रुपये दिखाना। अंकल जी ये बोल रहे हो मोटूल का 5100 सीरीज का ऑयल रखते हैं आप? 5100 सीरीज का नहीं, एक होता है 3100-3000। मैं बोल रहा हूँ 5100 सीरीज का नहीं रखते आप? अच्छा ही पूछ रहा था मैं। ओके चलो, ये 3000 है ना, दिखाना। ये 3000 है, इसमें एक आता है 5100 सीरीज का, इससे ऊपर वो लगभग 500 रुपये के आसपास का आता है। ये मैं पूछ रहा था, मैं मंगाता हूँ, अगर आप पे मिलता हूँ मैं आप पे ले लेता।
भागो 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 भाई साहब, देख रहे कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स जम गई हैं यहाँ पे। बैठो। तो भाई लोग अभी इस तरीके का कुछ अभी काम हो गया, अपना सॉकर वगैरह मतलब फ्रंट एक्सल वगैरह मतलब खुल गया है, ठीक है। टायर वगैरह ओपन हो गया है, वहाँ पे फैन रख दिया है, ठीक है, सीट वगैरह ऊपर। अभी यहाँ पे देख सकते हो सॉकर वगैरह मैंने तो मतलब बॉस वगैरह अच्छे से कर दिए थे, तो यहाँ पे अभी डस्ट वेस्ट नहीं दिख रही है आप लोगों को, नहीं दिखेगी। वैसे मैं क्लिप वगैरह एक लगा दूंगा जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फुल लवा लब ऑयल था और मिट्टी इसमें चिपकी हुई थी, ठीक है, उसके दिखा दूँगा आप लोग क्लिप वगैरह। बाकी इस साइड वाला, ये साइड वाला सॉकर एकदम फर्स्ट क्लास है, अभी तक तो मुझे देखने में फर्स्ट क्लास सॉकर लग रहा है। बाकी आप लोग वॉइस वगैरह कैसी आ रही है एडजस्ट वगैरह कर लेना, यहाँ पे कोई भी मिट्टी वगैरह भी मुझे ऑयल वगैरह भी किस वैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी इस तरीके की अभी कुछ कंडीशन वगैरह हो चुकी है, ठीक है। तो ये रहा अपना कुछ सॉकर, बहुत ज़्यादा चीज़ इसको थोड़ाने के लिए सही में बहुत हार्ड है। बाकी यहाँ से लीकेज वगैरह हो रही है इसकी, मतलब चौकर वगैरह की सील वगैरह कट गई है, तो ये लेंगे न्यू। बाकी मैंने चला दी 1000 किलोमीटर, तो ऑयल वगैरह देखते कितना कम हो गया, कितना काला वगैरह हुआ है, देखते हैं। बाकी न्यू ऑयल मैं ले आया हूँ, वो देखो वहाँ पर पड़ा है, देखते हैं न्यू ऑयल कैसे कुछ चलता है। बाकी देख सकते हो यहाँ पे तो भाई लोग ये रही अपनी बाइक इस तरह कुछ लुक में खड़ी है। अब देख सकते हो स्मोक रैक मैंने यहाँ पे करवा रखा है, स्मोक वाली लेमिनेशन पीपीएफ जो भी आप कहना चाहो वो करवा रखी है, और यहाँ से देखने में कितना शानदार लुक है। इस बार मैंने पीपीएफ जो करवाई है गाइस एकदम फिनिशिंग में आई है, ठीक है भाई लोग देख सकते हो अब लुक वगैरह एकदम प्योर स्मोकी।
ठीक है। और जो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सोकर वाला वर्क कराया था लेफ्ट साइड का, हम लोग का जो सोकर वगैरह लीक हो गया था, आप लोगों ने आई वो फोटेजेस वगैरह देखी होंगी, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह क्लिक मैंने जो की थी देखी होंगी, इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लीक हो रहा था। यहाँ पे मैंने सोकर का वर्क करवा लिया, ठीक है, इसकी ऑयल सील वगैरह लीकेज हो गई तो वो मैंने चेंज वगैरह करवा ली है। तो अभी हम लोग का सोकर वगैरह लीक बिल्कुल अभी तक तो नहीं हो रहा है, मैं उसे थोड़ी दूर आ गया हूँ, 200 मीटर आगे लगभग अपने सर्विस सेंटर से, ठीक है भाई लोग। तो अभी चलते हैं फिलहाल घर के लिए। तो भाई लोग आई होप आज का आप लोगों ये मोटो ब्लॉग वगैरह मैंने ये किया है, आई होप आप लोगों को पसंद वगैरह आया होगा। ऐसा क्यों लग रहा है थोड़ी बाइक वगैरह मिसिंग मार रही है, पता नहीं अब मुझे ऐसा फील आ रहा है, क्या है क्या समस्या है पता नहीं, मैं होप करता हूँ कोई दिक्कत वगैरह ना हो। अभी तक अपनी बाइक मतलब एक लॉन्ग रूट पहली फर्स्ट राइड करके आई हूँ, जो कि मेरी फर्स्ट राइड है और बाइक की तो थी इतनी लॉन्ग राइड, भगवान रक्षा करना ये हनुमान जी। हाँ सो भाई लोग फर्स्ट राइड हम लोग अपनी बाइक वगैरह करके आई है, एकदम स्मूथली कंप्लीटेड, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। गाइस मैंने एक बार तो 180 किलोमीटर का स्ट्रेच मार दिया था, 15-20 मिनट का गैप दिया था, 180 किलोमीटर का मैंने एक स्ट्रेच मार दिया था, ठीक है भाई लोग, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी अपनी बाइक की परफॉर्मेंस वगैरह लगी। मोटो लिख के आप उस सीरीज़ के ऊपर, ठीक है भाई लोग, बहुत ही मोटो लिख के आप उस सीरीज़ का बहुत ही प्यारा ऑयल है, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से मेरी बाइक मतलब रॉकेट लाइक परफॉर्मेंस दे रही थी, ठीक है। 180 किलोमीटर गए 100 cc से, मतलब 15 मिनट का गैप देखे वो भी, और ऐसा लग नहीं रहा था चला के कि ये मतलब 180 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल के आई है। ऑब्वियस सी बात है इंजन वगैरह तो गर्म होगा, पर उस हिसाब का नहीं हो रहा था, गर्मी है गर्म होगा, उतनी चल भी रही है लेकिन उस हिसाब का गर्म नहीं हो रहा था, मतलब परफॉर्मेंस लाइक तो रॉकेट थी, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि और मत चलाओ इसे और मत चलाओ, 180 किलोमीटर मैंने चला दी थी, ठीक है। अगर आप मतलब 15 मिनट का गैप दिया था वो कुछ ज़्यादा गैप नहीं होता 180 किलोमीटर के लिए, तो बस परफॉर्मेंस वगैरह तो एकदम मस्ती, बस एक ही चीज़ हो गया, मैंने जो सोकर वगैरह कराया तो वो पता नहीं इन्होंने ऑयल सील वगैरह चेक नहीं की, ठीक है, तो उस वजह से वो ऑयल सील की वजह से सोकर वगैरह वहाँ पर ही मैंने देख लिया था हल्का हल्का लीक होने लगा था, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ कौन सा मैं करवा रहा हूँ कुछ, और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सोकर वाली तो वहाँ पहुँचते भी हो जाएगी। तो गैस वो मतलब आते आते इतना ज़्यादा बढ़ गया, ओ भाई साहब ये क्या है, कहीं अगर बीच में नाला वाला अगर गड्ढा वगैरह आ गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी, देख रहे हो ये होता है बारिश के दिनों में, ओ भाई साहब क्या है, अगर यहाँ पे पानी अगर भर जाए ना तो इसमें कोई अच्छे से उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, देख रहे हो। सो भाई लोग मैं यही करता हूँ, आप लोग आज का ब्लॉग मस्त लगा होगा, मस्त लगा हो तो वीडियो को एक जरूर लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आप स्प्लेंडर से रिलेटेड और ऐसी मस्त मस्त वीडियो देखते रहें, नॉलेजफुल वीडियोस। चलो गाइस बाकी मैं होप करता हूँ आपको वीडियो मज़ा आया होगा, बिल्कुल भी ज़रा सा भी मज़ा आया हो, वो भाई सब यहाँ से निकालता हूँ मैं, चलो गाइस बाय बाय।